साइज 6.2 का, और क्वेश्चन नंबर हम लोग जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, fx हमको दिया हुआ है x टू पावर 100 प्लस साइन x और माइनस 1। ये पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो कहाँ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और ये हमको ऑप्शन दिया हुआ है माइनस 1 से 1 में दिया हुआ है, हमको बी 0 से 1 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, पाई बाई 2 से पाई दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो कहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो चलिए हम देखते हैं कहाँ डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स, तो 100 एक्स पर कितना 99 प्लस कॉस एक्स, वो तो 0 हो जाएगा। अब इस पर हमको विचार करना है माइनस 1 से 1 में क्या कर रहा है ये। सर एक बात बताइए, कॉस माइनस 1 से 1, कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1 से 1 के बीच में ही होता है, तो इसको दो भाग में लेना पड़ेगा हमको, माइनस 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 0। तो अगर 0 से 1 लेंगे तो 0 से 1 में कॉस का तो पॉजिटिव होगा और ये तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन माइनस 1 से 0 में ये हमको नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी तुमको नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव लेंगे तो ये एक्स पर जो 99, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हुआ यहाँ पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 1 से 1 में ये ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, समझ मारी बात। तो ये जो यहाँ पर है नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 0 से 1, तो 0 से 1 के बारे में हमने तो अभी बात किया कि इंक्रीज कर रहा है, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है यहाँ इंक्रीज कर रहा है, काम ख़त्म हो गया। पाई बाई 2 से पाई के बारे में बात करते हैं, पाई बाई 2 से पाई, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है, ये पाई बाई 2 हो गया, ये हमारा पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, इस तरह से हम लोग आते हैं। तो पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव होता है सर, या साइन पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का इसकी औकात कितना है माइनस 1 से 1, तो माइनस 1 इसका अधिक से अधिक वैल्यू होगा, ठीक है, और पाई बाई 2 से पाई चूँकि यहाँ रखेंगे तो ये हमको पॉजिटिव होगा, तो 100 से 1 घटेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये फाइनली हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा सर तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, गाने पकड़ में आ रही है। अब 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 से पाई बाई 2 में यहाँ भी रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो फाइनली ये हमको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत है, ये हमको इंक्रीज करेगा, तो कोई दिक्कत तो ही नहीं, आपको बात समझ में आई। अब रही बात ये पूछ रहा कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा, कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा स्ट्रिक्टली, ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई। क्वेश्चन 14 बोल रहा है, 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, फंक्शन हमको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमको कितना दिया हुआ है x square plus ax plus 1 Strictly increasing on कहाँ 1, 2 ए इज़ वॉट, हमको ए का वैल्यू चाहिए। सबसे पहला काम, चूँकि 1 से 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, चूँकि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 2 into 1 less than 2x less than 2 into 2, तो 2 less than 2x less than 4, अब दोनों तरफ हम लोग जोड़ेंगे a, तो 2 plus a less than 2x plus a less than 4 plus a, कहानी पकड़ में आ रही है, और 2 plus a less than, ये जो पूरा हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ, इसको 1 मान लेते हैं, हमको f dash x हो गया लेस देन 4 plus a, है ना, चूँकि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन 1-2। 1-2 में क्या कर रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो इधर से होगा ना, इसको अगर हम इसको ज़ीरो रखेंगे, इसको ज़ीरो रखेंगे तब नहीं पॉजिटिव होगा, इसको ज़ीरो रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2+a को हम लोग ज़ीरो रखेंगे, 2+a को ज़ीरो रखेंगे तब नहीं पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ a का वैल्यू कितना हो गया, -2, है ना। a का वैल्यू क्या हुआ, तो लीस्ट वैल्यू इसका हो गया -2। कहानी पकड़ में आ गई।